आज तारीख क्या है? आज 10 तारीख है सर। आने वाली पहली तारीख तेरा आखिरी दिन होगा। ए म्यूजिक ऑफ। ए मोना सुनो, अगली पहली तारीख मेरा आखिरी दिन होगा कह रहा है। वन मिनट, स्टोरी बढ़िया है, बोल। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा। और पहली तारीख को तू फिनिश। तू है कौन? मास। हेलो, मास बोल रहा हूं। क्यों बोलती बंद हो गई? जिंदगी में पहली बार घबराए हो। मैंने कहा था ना, 15 तारीख को तुझे डर का एहसास होगा। तूने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुनोगे ना? शत्रु, मैं तुझे यूं ही नहीं मारूंगा, तड़पा के मारूंगा। सुना है तू शहर का बहुत बड़ा सूरमा है? इस वक्त मैं तेरे ही शहर में हूं। अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे रोकने की कोशिश कर, रोक नहीं पाएगा। आज सिर्फ तू जानता है कि तुझे मारने वाला कोई मर्द यहां आया है। 20 तारीख को ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी कमीने। क्यों, तेरे पालतू कुत्तों को मारकर सड़क पर किसने फेंका यही सोच रहे हो ना? वो भी मेरा ही काम था। पहली तारीख को मैं तेरी मौत बनकर तेरे सामने आऊंगा। शत्रु मास, दम है तो रोक ले। मास ने सत्या के दो गुंडों को मार दिया। आखिर में सत्या से टक्कर लेने वाला कोई आया है? कौन है वो? है कोई मास? इस खबर से लगता है सत्या और शत्रु का बुरा वक्त आ गया। सत्या और शत्रु के नाम से ये लोग ही जुल्म किया करते थे। वो तो है। कहा, काम वैसे पूरा हो गया। अच्छी बात है। और 4 तारीख को बिचू अंकल। डैड, क्या हुआ? मास फिनिश। गुड। चीयर्स। चीयर्स। सुअर, जो हाथ लगा उसे छोड़कर यहां बैठे खुशी मना रहे हो। मेरा दिमाग कहता कि वो अभी तक मरा नहीं। वही है मार। ए शत्रु, अब और मजा आएगा। खेल दिलचस्प हो गया है। हमेशा मैं ही मारा करता था, अब की बार तूने ट्राई किया। थोड़ा सा मिस हो गया। बैड लक, बुरा मत मानना। पहली तारीख को जब मैं तुझे मारूंगा तब भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। ए मास, सत्या अभी तक जिंदा है। अबे बुढ़े, अच्छा मजाक है। हाथ पैर तो चलते नहीं, तू क्या बचाएगा अपनी औलाद को? उस ऊपर वाले ने तेरा एक हाथ सलामत छोड़ा है, जानता है क्यों? तेरे बेटे को आग देने के लिए। सत्या, दुनिया के लिए अगर तू यमराज है तो तेरा यमराज मैं हूं। मास, दम है तो रोक ले। मेरे हाथ पांव अगर सलामत होते तो मैं इसे काट के गली के कुत्तों को खिलाता। लॉक समझाने के बावजूद भी तू उसका बाल भी बाका नहीं कर सका। ए शत्रु, तू अगर मेरा खून है तो पहले उस मास का इतिहास खत्म कर, उसके बाद मुझे अपनी शक्ल दिखा। गेट आउट। तुम्हारे डैडी की ऐसी बेइज्जती नहीं हुई,
आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो मास, कल शादी में आया था, कहा कि मेरा सूट बढ़िया था, मेरी बहन से बातें भी की, उसके माथे पर किस भी किया, तुम सब क्या कर रहे थे? हम उसे नहीं पहचानते भाई। नहीं पहचानते, नहीं पहचानते, नहीं पहचानते। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, अपनी डैडी से बात करो, क्या करना है वही बताएंगे। डैड से बात करनी है। किस बारे में? मास के बारे में। क्या बात करोगे? हाँ, अपने डैडी की बात याद है ना, उस मास को मारने के बाद ही अपना मुंह दिखाओ कहा था उन्होंने, अब फिर से उनके सामने खाली हाथ जाओगे तो मार डालेंगे तुम्हें। तुम्हारे डैडी के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं, मेरी बात मानो, ऐसे मुसीबत के वक्त तुम्हारे डैडी को भी सलाह देने वाला एक क्रिमिनल लॉयर है, दुर्गा प्रसाद, उन्हें बुलवाओ। आइए सर। हाय शत्रु। हेलो सर, बैठिए। क्या हमारे आदमी ने सब बता दिया ना? नहीं, तुमसे सुनना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मुझे एक आदमी टॉर्चर कर रहा है, उसका नाम है मास। हाँ वही। वैसे मैं अपनी पहुंच से चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर की मदद ले सकता हूँ। उससे उन लोगों में जो तुम्हारा डर है वो नहीं रहेगा। करेक्ट। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है। जानना है तो अपने दुश्मनों के बारे में मुझे बताना होगा। एक और बात, तुम जो कुछ जानते हो सही से बताओ, कुछ भी छुपाए बिना। कुछ दिन पहले हांगकांग की एक पार्टी ने मुझे पैसे भिजवाए थे, मगर मैंने उसको माल नहीं भेजा। वो नहीं है। वो भी नहीं। अपनी फैमिली के बारे में बताओ। फैमिली की जो भी बातें हैं आप सब जानते ही हैं। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, अंजलि पढ़ाई के लिए शहर से बाहर गई थी ना, उसे वापस क्यों लाए? वो कोई खास बात नहीं है, छोड़िए ना। ओके, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ सर? मैंने पहले ही कहा था मुझसे कुछ छुपाना नहीं। सॉरी सर, बैठिए। टेल मी। मेरी बहन वहां किसी के प्यार के चक्कर में फंस गई थी, उसका पता चलते ही मैं उसे वहां से वापस ला रहा था, तब उस लड़के का दोस्त हमारे आड़े आया और उसे मैंने मार दिया। अंजलि को यहाँ लाए कितने दिन हुए? 4 हफ्ते हो गए। तो वही मास है? मास वो लड़का है, मगर उसका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है सर। जिसका बैकग्राउंड है वो तुमसे भिड़ने से पहले नफे नुकसान की और अपनी जान जाने की फिक्र करता, लेकिन मास को ऐसा कोई डर नहीं। उसकी जंग है मोहब्बत की खातिर, फ्रेंडशिप की खातिर। फ्रेंडशिप और मोहब्बत में जो ताकत है वो तुम नहीं जानते। तुमने जिस दिन उसके फ्रेंड को मारा उसके दूसरे ही दिन वो यहां आ गया, हफ्ते भर तुम्हारी जानकारी हासिल की, उसके बाद उसने तुम पर हमला बोल दिया। चाहो तो अपनी बहन से पूछ लो कि कहीं उसका नाम मास तो नहीं। ना नहीं कहेगी, जाके पूछ लो, मैं यहीं पर हूं। अंजलि, तुझसे प्यार करने वाले का नाम क्या है? तुझी से पूछ रहा हूं। मास। हाँ, इस तरह चौंक क्यों गए? तुमसे बराबर की टक्कर लेने लायक आदमी से प्यार किया इसलिए? ए, इस पर नजर रखना, यहाँ से बाहर ना जा पाए। तुम मेरी फिक्र मत करना भैया, भाग जाना, रोना धोना, भूखी रहना, ये सब मैं नहीं करने वाली। अपने मास को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझे ले जाने जरूर आएगा, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपने सही कहा, वही मास है। उसकी शक्ल सूरत के बारे में जब अंजलि से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। मैं उसी के शहर में जाकर उस कमीने को खत्म कर दूंगा। फिर से भूल कर रहे हो शत्रु, वो इसी शहर में है, इस तरह बोल बोल कर हमला कर रहा है, तो उसे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, इसी शहर में ढूंढो। ये बताओ, आखिरी बार उसने तुमसे कब बात की? कल ही बात की थी। क्या कहा उसने? कह रहा था परसों मेरे रिश्तेदार की शादी में वो भी आया था, मेरे सूट की तारीफ की, अंजलि से बात भी की और भी बहुत कुछ किया। That's it. बड़े से बड़ा अकलमंद भी कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। मास ने भी वही किया। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसने बोल दिया कि वो शादी में आया था। फौरन उसका वीडियो कैसेट मंगवाओ, उसमें मास होगा।
यही है मास। साहब ये कहां रहता है मैं जानता हूं। एक तरफ तुम और तुम्हारे सैकड़ों आदमी, दूसरी तरफ वो अकेला। खेल का मजा अब आएगा। ऑल द बेस्ट। मुझे चाहिए। इसने क्या किया मालिक? यही है मास। ये मास नहीं है, इसका नाम गणेश है, हम अच्छी तरह जानते हैं। सचमुच इसका नाम गणेश है, हमारे साथ इस अपार्टमेंट में रहता है। आप लोग बोलिए ना। तुम भी बोलो ना। नहीं नहीं, मैं क्या बोलूं? ये मास है कि नहीं? Hey! अगर किसी ने भी आवाज की तो भून डालूंगा। Hey, चुप करो इनको। बोल, यही मास है ना? नहीं जानती। बोल, बोल। भाई, ये मेरी बहन है। तेरी बहन है? तो क्या छोड़ दूँ? कह रही हूँ कुछ नहीं जानती। सच बोल। क्यों मार रहे हो? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मास चाहिए मुझे। क्यों सबको मार रहे हो? वो मास नहीं, गणेश भैया है, वो हमारे भगवान है। भगवान है तो ठीक है, आरती उतार कर उसकी पूजा करूंगा। अब देखता हूँ तुझे तेरा भगवान बचाने आता है गणेश। सब लोग आ जाओ। गणेश कहके उसने हम सबको धोखे में रखा। हाँ बिल्कुल, उसे हमारे साथ यहाँ रहने दिया, यही हमारी गलती है। दया करके भैया पर इल्जाम मत लगाइए, भैया के यहाँ रहने से किसी को कुछ नहीं होगा। सत्य और शत्रु की वजह से हमारी तरह उन्होंने भी बहुत कुछ खोया है। अंजलि, तूने क्या कहा था? मुझे देखकर तुझे तरस आता है ना? अब तू फिर से डरने लगेगी। इनको बचाने के लिए मास यहां आएगा और तेरी आंखों के सामने उसे काट डालूंगा। क्या हुआ, तुझे शौक नहीं लगा? भैया क्या है, मैं इन दोनों को छोड़ दूं? मास डैडी को उठा ले गया। बिच्छू, अभी तुम्हें देखकर मुझे तरस आता है भैया। क्या घुर रहा है तू?
मुझे मारना चाहता है। अगर तेरे हाथ पांव ठीक होते तो मुझे मार देता, क्यों? मेरे एक इशारे पर ये सब तेरे टुकड़े टुकड़े कर देते। लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तेरे बेटे को मरते हुए देखने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा। बॉस, तू मुझे नहीं जानता इसलिए उछल रहा है। खुद को बड़ा डॉन समझता है ना तू? एक महीने से तेरे और तेरे बेटे के सर के ऊपर मैं मौत बन के मंडरा रहा हूं। शत्रु तुझे नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए शर्म नहीं आती? कहते पूरे शहर में तेरी हुकूमत है, क्या उखाड़ा है तूने? मैंने जो जो कहा ठीक उसी डेट पे कर दिखाया। कहा था पहली तारीख को आऊंगा, आ गया। ले सामने बैठा हूं। ए सत्या, बुला अपने बेटे को। तूफान तूफान उठा दूंगा। उसे जान से मार दे। उसे मारो मारो। क्यों बे, तेरे बुलाने पर ही वो उठेगा? बुला बुला उसे, उठा उठा उसे, उठा। Mas, 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 mas
पीछे से वार करता है, मेरी गैर हाजिरी में लोगों को मार के औरतों को ले जाने वाला तू खुद को मर्द समझता है? ए, सुना है तू सबको तीन चांस देता है? ए, मैं तुझे देता हूं, उठा आजा। अरे आना, दूसरा चांस, उठा आजा। मां बनने वाली औरत के पेट पे लात मारते वक्त अपनी मां की याद नहीं आई तुझे? अपनी जान तुझे इतनी प्यारी है तो दूसरों की जान से क्यों खेलता है? अरे सब रुक जाओ, इसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हुआ करता था मैं, लेकिन इस कमीने से मैंने अपनी बहन की जान की भीख मांगी पर इसने नहीं सुना। कल तुम्हारे साथ भी यही होगा, इसलिए इसे कोई नहीं बचाएगा। घबरा मत, दोनों को बराबर का मौका, लास्ट चांस। मौत की जितनी दूरी पर तू है मैं भी उतनी ही दूरी पर हूं, दम है तो सामना कर। मेरा अपना कहने वाला एक ही था, उस आदि को भी तूने बेरहमी से मारा। उसे मत छोड़ भैया। मैं तुझे मारूंगा नहीं, तू जिंदा लाश बन के जिएगा। अंजलि, जिंदगी में पहली बार एक मर्द से टक्कर हुई है, सियासत में शिकस्त हो तो शान जाती है और जंग में शिकस्त हो तो जान जाती है।